रास्ते में बिना रास्ते का भी आरती करती है। चरोदा चौक है, इस कांवड़ यात्रा में प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। हम लोग रायपुर जा रहे हैं, मिल गए हम लोग को कांवड़ यात्रा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से। और आपको झांकी कैसे लगा आप जरूर बताना, यहाँ पे लगी हुई है तो देखते हैं कैसे कैसे झांकी है उसको। आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो वेशभूषा में आप लोगों को दिख रहे हैं कौन कौन हैं वो, और मैं तो चौक आपको बता चुकी हूँ, शायद मेरे बताने में गलत हुआ होगा तो एक बार फिर बता देती हूँ। ये है भिलाई का सिरसा गेट, जहाँ पे हम लोग जा रहे थे रायपुर, और रास्ते में हमें दिख गया कांवड़ यात्रा। हालांकि हमारे लिए रॉन्ग साइड था, लेकिन हम झांकी देखे ना तो आ गए रॉन्ग साइड से मुड़ के, और देखे तो हजारों के भीड़ में कांवड़ यात्रा हो रही थी। सब लोग भगवा कलर का कांवड़ उठाए हैं, कपड़ा पहने हैं, पगड़ी लगाए हैं और मस्त पैदल चल रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसे बोलबम का नारा लगाते हुए सब लोग आगे बढ़ते हैं। इतना शिव भक्त हो गए हैं कि पूछो मत। उस साल डबल सावन था और इस साल सिंगल सावन है, तो भी कोई भी दिन, कोई भी सोमवार, कोई भी प्रदोष को कुछ को नहीं छोड़ रहे हैं। लोग पूजा ऊपर पूजा कर रहे हैं, झांकियां निकाल रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। पता है एक बात मैं बता दूं, हर जगह ये जो दूत भूत है शंकर जी का, और शंकर जी, उनके बराती, काली मैया, दुर्गा मैया, जिसका जो झांकी निकाल रहे हैं, उन लोग तो इस साल जस प्रतियोगिता, फाग प्रतियोगिता और नवरात्रि और विसर्जन के टाइम में जितना नहीं कमाए हैं उतना इस बार सावन में कमा चुके हैं। सारे डीजे वाले लोग, सारे धुमाल वाले लोग और ये झांकी वाले लोग, जहां पे देखो वहां पे आपको कांवड़ यात्रा दिखेगा, और उस कांवड़ यात्रा के प्रस्तुत में ये झांकी आपको जरूर दिखेंगे। आप अपना राजनांदगांव को भी देख लो, आग वाला, चिंगारी वाला, भभूति वाला, शिव जी का पूरा पालकी निकालते हैं। अब ये भिलाई हो गया, सिरसा गेट आपका दुर्ग में निकला था, फिर उसके बाद में रायपुर में जगह जगह निकल रहा है, महादेव घाट में निकलेगा आपका, हर जगह, हर मोहल्ले, हर चौराहे में आपको यही झांकी देखने को मिलेगा। इतना मतलब शिव भक्त में लीन हो गए हैं, हर कोई कांवड़ यात्रा जा रहे, चाहे बच्चा 3 साल का हो या फिर अम्मा दादा 80 साल के हो। ठीक है, अच्छी बात है, हमारा धर्म सनातन धर्म में बदल चुका है। और आप लोग ये देखिए, मेन झांकी ऐसी होता है, गोल से घेरा लगाते हैं और उस घेरे में दूत भूत लोग आग से खेलते हैं। हम फोटो वीडियो रील्स के चक्कर में उनके इतने नज़दीक जाते हैं ना कि पूछो मत। तो भाई आग है, ये आग से खेल रहे हैं, वो भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, वो भी मिट्टी तेल यूज़ कर रहे हैं, वो भी कपूर यूज़ कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। तो आप दूर से रील्स बनाइए, वीडियो बनाइए, न्यूज़ लीजिए, फ़ोटो खिंचाइए, नज़दीक मत जाइए, क्योंकि वो पेट रोजी कमा रहे हैं, झांकी दिखा के अपना पेट पालन कर रहे हैं, अपनी फैमिली की पालन कर रहे हैं। तो उनका वो हो गया, खेल हो गया है, उनकी लत लग गई है, हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा कुछ नहीं होगा नुकसान, क्योंकि वो कमा रहे हैं, रिक्स ले रहे हैं अपने ऊपर। जैसे कि हम किसी जॉब में जाते हैं, किसी मशीन को चलाते हैं, चलाना सीख जाते हैं, तो हमारे लिए वो मशीन इजी हो जाता है। वही कोई नया मेंबर आता है तो उसके लिए नया हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। उसी प्रकार इन लोग आग से झांकियों वाले लोग खेलना शुरू कर दिए हैं, आग इन लोगों के लिए नॉर्मल सी बात है। तो आप भी ना दूर होके बनाइए वीडियो को, और बच्चों को भी दूर रखिए, और ये जो खेल रहे हैं आग से उसको खेलने की कोशिश मत करिए प्लीज़। इनको अपने ही पेट रोजी तक रहने दे, ये कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपना कला दिखा रहे हैं, उसी तक रहें। आप इसको दोहराने की कोशिश ना करें, अगर कोई बच्चा दोहराता है तो उसको प्लीज़ मना करिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि इस साल के सावन में बहुत ही अत्याचार हो गया है इस टाइप का झांकी, और यहाँ पे नंदी जी कैसे डांस करते हुए जा रहे हैं, तो मैं अपने साथ में नंदी का ले ली फोटो।
अब इन लोग जाएंगे दूसरे चौराहे में डांस करने, नाचने, अपना कला दिखाने के लिए। तो इन लोग थोड़े देर पैदल चले कांवड़ियों के साथ में, एक गाना हो जाए, चल कांवड़िया चल कांवड़िया चल कांवड़िया, इसके आगे नहीं आता भाई मेरे को, चल कांवड़ उठा, है ना, ऐसी गाते ना। सब लोग पैदल चल रहे हैं और भंडारे का तो लेखा जोखा नहीं है भाई, केला बट रहा है, पानी बट रहा है और भी खिचड़ी बूंदी सब चीज बट रहा है। फिर झांकी वाले लोग ना, एक गाड़ी है छोटा हाथी, उसमें चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कला दिखाना है, डांस करना है, तो ज़्यादा चल नहीं सकते। जिन लोग दर्शनार्थी हैं, कांवड़ लेके आ रहे हैं, वही लोग पैदल चल रहे हैं। फिर बाकी जो भी कार्यकर्ता है, करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उन लोग गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके से रहा आज का भिलाई का सिरसा गेट का झांकी। आपको कैसा लगा जरूर बताना, और क्या आप इस कांवड़ यात्रा में शामिल हैं? तो शामिल होंगे तो उनका नाम जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इनमें से किसी को जानते होंगे तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा देना शेयर करके। तो यहीं पे अब मैं इस वीडियो को करती हूँ समाप्त, क्योंकि इधर आ गया है ट्रैफिक वाला एरिया, हम जाएंगे किसी दूसरे जगह पे। तब तक बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ में, और भी मस्त वाला वीडियो मैं आपके सामने लाने वाली हूँ। तब तक करते रहेंगे इंतजार हमारे व्लॉग का, हमारे वीडियो को। हमें पसंद करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं करते होंगे तो कमेंट्स करके जरूर बता देना यार। आपके कमेंट्स, आपके लाइक और आपके शेयर के इंतजार में मैं बैठे रहती हूँ और मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ जरूर बता देना। अब यहाँ पे चल रहा है भोजन भंडारा, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। एक बार बताओ, खाने वाले कम हो गए हैं और इस बार भंडारा बांटने वाले अत्यधिक हो गए हैं। जगह जगह भंडारा, जगह जगह भंडारा, बहुत है भाई। ऐसे जमीन पे फिका रहे हैं भंडारा की पूछो मत। यहाँ पे बच्चे लोग गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं भाई, बड़ी अच्छी है, क्योंकि खड़े होके खाते भी नहीं बनता, गर्म रहता है तो पकड़ते नहीं बनता, और छोटे छोटे बच्चों का हाथ से गिर जाता है जिससे हमारे पैरों पे लगता है। तो ये अच्छा है बैठ के खाने का व्यवस्था। और यहाँ पे जाम लग गया है, जगह नहीं है, उसमें फोर व्हीलर घुसा रहे हैं, टू व्हीलर घुसा रहे हैं, फिर पैदल चल रहे हैं। सिटी है और सिटी में तो ऐसा सब चीज़ होता है। यहाँ पे बोलबम सेवा समिति रायपुर। अब हम थोड़े ही देर में आपको रायपुर पहुँच के नया व्लॉग दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।